राष्ट्रीय हिंदी दैनिक तरुण मित्र श्रम ही आधार सिर्फ खबर से सरोकार। यूपी में तय समय पर होंगे विधानसभा चुनाव। पोस्टल बैलेट के जरिए दिव्यांग और बुजुर्ग कर सकेंगे घर बैठे वोटिंग। यूपी चुनाव 2022 से पहले बड़ा फेरबदल। दुर्गा शंकर मिश्र बने नए मुख्य सचिव। ग्रहण किया पदभार। बरेली से हल्द्वानी के लिए सेना के हेलीकॉप्टर से निकले पीएम। एमबी इंटर कॉलेज में मोदी की रैली के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। एक घंटे हल्द्वानी में रहेंगे पीएम। 33 मिनट का होगा संबोधन। 1 जनवरी से बदल जाएंगे नियम। बैंक ग्राहकों को एटीएम से नकद निकासी के लिए पहले की तुलना में करना होगा अधिक भुगतान। महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले कालीचरण खजुराहो से हुए गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने जताई आपत्ति। कश्मीर में 2 पाकिस्तानी आतंकियों सहित जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकी हुए ढेर। 1 जवान शहीद, वहीं 2 लोग हुए घायल। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के साथ ही दिल्ली समेत कई राज्यों ने स्कूलों को बंद करने की घोषणा। उत्तर प्रदेश में 8वीं कक्षा तक के स्कूलों में 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक विंटर वेकेशन का किया गया ऐलान। एनआईए ने श्रीनगर के डाउनटाउन से स्थानीय मैकेनिक को लिया हिरासत में। आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता का है आरोप। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का आरोप, कोरोना का भय फैलाकर विधानसभा चुनाव टालना चाहती है भाजपा व आप। नक्सल इलाके में उतरी दुर्गा फाइटर की महिला कमांडो। हाथ में AK-47 लेकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर लगाई गश्त। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में महिला सहकर्मी के साथ हुई छेड़खानी। कुलसचिव व परीक्षा नियंत्रक समेत 4 पर दर्ज हुई FIR। रॉयल इनफील्ड की सल्तनत में शामिल हुई एक और बाइक स्क्रैम 411। फरवरी 2022 में हो सकती है लॉन्च। शर्मनाक प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत ने की सबकी बोलती बंद। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में टीम ने की दमदार वापसी। कोरोना वायरस की चपेट में आई शिल्पा शिरोडकर, वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाली बनी थी पहली इंडियन एक्ट्रेस। शायोमी का नया फोल्डेबल फोन होगा जल्द लॉन्च। सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप को देगा टक्कर। मुगलों को शरणार्थी कहने पर ट्रोल हुए नसीरुद्दीन। खफा लोगों ने कही शाह को पाकिस्तान भेजने की बात। पाकिस्तान के 100 साल पुराने मंदिर पर कट्टरपंथियों ने किया था हमला। वहां 3 देशों के हिंदू तीर्थयात्री करेंगे दौरा। राफेल के जवाब में पाक ने चीन से खरीदे 25 J-10C लड़ाकू विमान। हर तरह के मौसम में उड़ान भरने में है सक्षम। WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा, ओमिक्रॉन के खिलाफ टीके अभी भी हैं काफी प्रभावी। अमेरिका में COVID-19 ओमिक्रॉन संक्रमण के मामलों ने पकड़ी रफ्तार। जनवरी के अंत तक चरम पर पहुंचने की है आशंका। विश्व में कोरोना की सुनामी। फ्रांस में 1 दिन में 2.8 लाख, वहीं अमेरिका में 4.41 लाख कोरोना के मामले मिले। इंडोनेशिया में तेज भूकंप के झटके हुए महसूस। रिक्टर स्केल पर 7.3 रही तीव्रता। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों पर चीन की कार्रवाई। स्टैंड न्यूज वेबसाइट की गई बंद। 7 मीडिया कर्मी हुए गिरफ्तार। मुंबई में 7 जनवरी तक के लिए लागू हुई धारा 144। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद लिया गया फैसला।